ऑलराइट गाइस, तो यार पिछली वीडियो में हमने सीखा कि यार ये वेरियस एक्सटेंशन वाला पार्ट कैसे हम बनाएंगे, और उससे पहले हमने ये सारा लेआउट बनाया था थोड़ा बहुत। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे यार, ये जो टोटल फाइल्स वाला पार्ट है ना, ये सारा इसमें जो इमेजेस आ रही हैं, तो ये सब चीज़ें यार हम सीखेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने पहले क्या बनाया था। तो यार हमने ये सारी चीज़ें बनाई थी, और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ये सेकंड वाला जो थर्ड पार्ट है वो बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है यार, वो सेम फाइल वैसे ही छोड़ी हुई है जैसे हमने लास्ट टाइम जहाँ पे लेफ्ट की थी, तो उसी में हम चेंजेस करेंगे। तो यार यहाँ पे मैं कर लेता हूँ दोबारा ऊपर से जाके, क्या करता हूँ यार यहाँ पे सिंपल जो है यहाँ पे ऐसे जाके कॉपी कर लेता हूँ। ऑल एक्सटेंशन भी मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ क्यों मैंने ये कॉपी कर लिया। और यहाँ पर हम करते हैं पेस्ट, और यार इस बार मेरा ये सेक्शन हो जाएगा 3, और यार यहाँ पर हो जाएगा ऑल सेक्शन की जगह यहाँ पर आ जाएगा ऑल इमेज आइकन्स। ओके, अब आपको पता होगा कि मैंने इमेज आइकन क्यों लिखा, ठीक है। अब यार हमने स्टार्टिंग में एक इमेज यूज़ की थी यहाँ पर, ओके. यार इसी को मैं कॉपी करूँगा और यार इसको मैं नीचे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, हम कर देंगे इसको इमेज आइकन, और यहाँ पे हम अपने फोल्डर में जाएंगे, एक बार चेक करेंगे कि हमारे इमेजेस में यहाँ पे हमारे पास इमेज के लिए कौन सा है। तो यहाँ पे मैंने आई एम रखा हुआ है, तो मैं आई एम लिख दूंगा, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आई एम PNG, ठीक है। अब इसी को मैं यार यहाँ पे करता हूँ कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे यार कर दिया पेस्ट, और पहले हमारे पास आ जाएगा इमेज, फिर हमारे पास आ जाएगा ऑडियो, और देन आ जाएगा हमारे पास वीडियो, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डॉक्यूमेंट, और देन हमारे पास आएगा अदर। तो मैं क्या करता हूँ यार, सारी इमेजेस को जल्दी से यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूँ। तो यार मैंने यहाँ पे कर ली सारी इमेजेस को ऐड ऑन, और यार इसको एक बार हम करते हैं रन, ताकि हमें देख लें कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो यार हम कर लेते हैं पाइथन सॉर्टिंग ऐप को रन, तो यार हमारा जो कोड है रन हो गया है, और हमें कोई भी तरह का एरर नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यार, हम क्या करेंगे यहाँ पे एक बनाएंगे फ्रेम। अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे यार हमने एक फ्रेम बनाया, ठीक है, और उसके अंदर यार ये डिफरेंट जो है विजेट्स यूज़ किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक फ्रेम बना लेता हूँ। तो फ्रेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यार फ्रेम का ऑब्जेक्ट लिख लेता हूँ, फ्रेम वन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल फ्रेम क्लास को कॉल कर लूँगा, और यार यहाँ पे मैं इसको कहाँ पे चाहता हूँ, मैं ये होगा मेरे रूट में, और इस पर टेक्स्ट तो होगा नहीं, तो यहाँ पर हम बॉर्डर सेट कर देंगे 2, और यार बॉर्डर स्टाइल देना होता है, तो बॉर्डर स्टाइल हो जाएगा हमारा रिजिड, और यहाँ पर हम कर देंगे फ्रेम जो है इसको कर देंगे प्लेस। तो प्लेस कहाँ पे करें हम यार, देख लेते हैं ऊपर एक बार कि हमारा जो लास्ट कॉम्बो बॉक्स है ये वाई जो है 230 था, तो इसको यार हम समवट कर देते हैं, मान लीजिए 250 करके देखते हैं। एक्स तो हमारा 50 ही रहेगा, एक्स में हमें कोई चेंजेस नहीं करनी, वाई में हमें चाहिए चेंजेस। और यार यहाँ पे मुझे विड्थ और हाइट भी सेट करनी होगी, तो विड्थ यार मैं दोबारा से 1250 कर देता हूँ, और यार यहाँ पे मैं हाइट सेट कर देता हूँ इसको 300, और इसको करते हैं रन। यार ये देखिए हमारा जो है ये फ्रेम समवर्ट यहाँ पे बना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और नीचे करना है, तो मुझे यार नीचे करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर दूँगा, इसको यार मैं कर देता हूँ 300, और यहाँ पे हम करते हैं रन। यार ये बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। तो अब मुझे यार इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है, यार ऐसा नहीं चाहिए मुझे बैकग्राउंड कलर। तो यार यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे बीजी प्रॉपर्टी को कर देंगे वाइट, और करते हैं रन। तो ये देखिए यार हमारा फ्रेम बन गया। अब मुझे यहाँ पे यार क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए टोटल फाइल्स का लेबल, और यहाँ पे बाकी इमेजेस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके सिंपल एक लेबल को ऊपर से कॉपी करेंगे, हमने जो यहाँ पे लेबल सॉर्ट लिखा था ये रहा, इसको कर लेंगे, और यहाँ पे हम फ्रेम में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यार यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको लेबल, कर लेता हूँ टोटल फाइल्स। अब यार यहाँ पे मैं सेल्फ यूज़ करूँगा, क्योंकि यार इसको हमने जो है अपडेट भी करना है जब हम फाइल सेलेक्ट करेंगे, और ये लेबल यार मेरे सेल्फ रूट में ना हो कि ये हो जाएगा मेरे फ्रेम वन में। और यार इसको मैं प्लेस ऐसे नहीं करूँगा, इसको मैं प्लेस करूँगा ऐसे सेकंड लाइन में। अब आपको पता है मैंने इसलिए किया क्योंकि यार मुझे ये चेंजेस करने होंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल फाइल्स। अब यहाँ पे टोटल फाइल्स मैं एक बार डमी के लिए लिख लेता हूँ, मान लीजिए 150, और यार इसको हम करते हैं रन। और यार यहाँ पहले वाई मुझे चेंज करना होगा, तो वाई को मैं कर लेता हूँ 10, और एक्स जो है 50 ठीक रहेगा, एक बार देख लेते हैं। तो यार एक्स जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया, और यार इसकी साइज़ भी हम कम करेंगे, और यार थोड़ा सा हम एक्स को पहले कम कर लेते हैं, तो एक्स को हम कर लेते हैं 10, और यार इसके साइज़ को हम करते हैं थोड़ा सा कम, तो यहाँ पर मैं इसको 15 कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम करते हैं रन। तो यार ये 15 काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया, तो हम इसको कर लेते हैं 20, और करते हैं रन। तो यार ये ठीक लग रहा है, ठीक है। अब यार मुझे यहाँ पे चाहिए इमेजेस, तो मैं क्या करूँगा, एक पहले इमेज लगाऊंगा। तो इमेज को लगाने के लिए आपको पता है हमने जो है पहले लेबल लिया था आइकन लगाने के लिए, तो इसी तरीके से यार हम जो है यहाँ पे लेबल लेंगे। तो ये लेबल जो होंगे चेंज होते रहेंगे, तो यार यहाँ पे मैं लिख लूँगा लेबल, और यहाँ पे लिख लूँगा
यहाँ पे हम क्या करें, टोटल इमेज, और यहाँ पे हम कर लेंगे लेबल। और ये लेबल कहाँ पे होगा, ये लेबल होगा मेरे फ्रेम वन में। और इस पे टेक्स्ट क्या होना चाहिए, इस पे टेक्स्ट होना चाहिए टोटल टोटल इमेजेस। और यहाँ पे स्लैश एन करके मैं कर दूंगा यहाँ पे सिंपल, एक डमी के लिए अभी लिख रहा हूँ 250। और इसकी यार फ़ॉन्ट साइज भी थोड़ी बढ़ा दूंगा, तो यार फ़ॉन्ट साइज मैं कर दूंगा टाइम्स न्यू रोमन। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसके फ़ॉन्ट का साइज जो है वो हो जाएगा 20। और एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे हमने बोल्ड रखा है कि क्या रखा है। यहाँ पर एक बार मैं अगर फोल्डर में सेलेक्ट करूँ यहाँ पे फाइल, तो हम जाते हैं यहाँ पे ऑल फाइल्स, तो यहाँ पे जी फ्रेंड हमने ये यार बोल्ड रखा है। और इसके कलर के जो वो है फोरग्राउंड कलर वो सारा वाइट है, तो हम क्या करेंगे यार सिंपल जो है पहले एक बार इसको करते हैं क्लोज। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं हम बोल्ड। और यार फोरग्राउंड कलर हम जो है वो बाद में करेंगे, तो पहले मैं यहाँ पे चल जाता हूँ और यहाँ पे हम करते हैं इसको प्लेस। तो यहाँ पे हम प्लेस जो है इसको सेकंड लाइन में करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें इसको बार बार अपडेट भी तो करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे प्लेस, और यहाँ पे हम एक्स को कर देंगे यहाँ पे 5, या फिर एक्स को हम कर देते हैं 10, और वाई को हम कर देंगे यहाँ पे 20, या फिर ये हो जाएगा 40 के अप्रोक्स, क्योंकि हमारी हाइट भी तो थोड़ी बड़ी है फ़ोन की। तो इसकी विड्थ मैं सेट कर देता हूँ 200, और यार हाइट मैं सेट कर देता हूँ 230। और करते हैं हम इसको रन, यार ये हमारी जो है समवट ऐसे बनी है। तो इसको मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ अपने विड्थ और हाइट उसके अकॉर्डिंग कि जैसे उसमें हमने लगाई हैं। तो यार यहाँ पे हमारे पास विड्थ जो है उसमें 230 है, और हाइट जो है हमारे पास 200 है, तो इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई थी, तो कोई बात नहीं। अब यार यहाँ पे हमारे पास लग रहा है, तो यार इसको थोड़ा सा हम ऊपर से करेंगे नीचे। तो यार इसको लाने के लिए, नीचे लाने के लिए मैं इसको कर देता हूँ 60। और यार इसको मैं एक बार क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ। तो यार इसका बैकग्राउंड कलर मैं वही कलर को डाल देता हूँ जो उसमें है। और यहाँ पे हम इसके फोरग्राउंड कलर को भी चेंज कर देते हैं वाइट, ताकि यार हमें अच्छा लगे। और यार यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका इमेज आइकन भी लगा लेते हैं। तो यार यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ सिंपल, यहाँ पे इमेज प्रॉपर्टी में यहाँ पे सेल्फ डॉट जो है हमारे पास कौन सी है, इमेज आइकन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इमेज आइकन है, ठीक है। और यार इसको हम करते हैं रन, तो यार ये देखिए हमारे पास आ गई। तो अब आपको पता है यार हमारे पास टेक्स्ट लाने के लिए क्या करना होगा, हमें टेक्स्ट लाने के लिए यहाँ पे कंपाउंड प्रॉपर्टी को भी यूज़ करना पड़ेगा। तो यार यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, कंपाउंड प्रॉपर्टी को कर लेता हूँ टॉप पे, ताकि मेरा जो इमेज है वो टॉप पे और टेक्स्ट मेरा जो है वो बॉटम पे दिखे। और करते हैं यार इस तरीके से हमारे पास जो है ये सही लग रहा है, ठीक है। अब हम इसी को यार कॉपी करेंगे, और बाद में जो है इनकी प्लेसिंग को बस चेंज करेंगे। तो यार इसी को मैं होल को कॉपी करता हूँ, और यार यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट। और यहाँ पे हम कर देते हैं टेप लेबल टोटल इमेज की जगह हम कर देते हैं यहाँ पे ऑडियो, आप कुछ भी रख सकते हैं यार, ऐसा नहीं कि आपको इसी पैरामीटर में रखना है। तो ऑडियो, और यहाँ पे हम कर देते हैं टोटल ऑडियोज, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी इमेज आइकन की जगह ऑडियो आइकन। और इस बार यार मेरा एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा चेंज। तो आपको पता है यार मेरे एक्स जो है 10, और फिर तो जो है यहाँ पे 30 है, तो ये 240 हो जाएगा। तो यार एक्स जो है मेरा अप्रॉक्स हो जाएगा, यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको 260, ताकि यार यहाँ पे 30 का गैप हो जाए। और यार इसको मैं करता हूँ रन, तो यार यहाँ पे ये देखिए हमारे पास टोटल ऑडियोज आ गए। अब यार इसका बैकग्राउंड कलर भी जो है हम बाद में चेंज कर लेंगे, जल्दी से सारे आइकन्स के कलर को एक साथ ही हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ यार आइकन्स को पहले लगा देता हूँ समझाने के लिए। तो यार यहाँ पे हमारे पास टोटल ऑडियोज आ गई। अब यार यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, टोटल ऑडियोज के साथ हमारे पास आ जाएगी वीडियोज। पे मैं वीडियो हटाता हूँ, ऐसे वीडियो रख लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास एक ही पैरामीटर एक ही फॉर्मेट में आए तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं टोटल वीडियोस। और यार इसमें हम क्या करेंगे सिंपल, जैसे हमने ऊपर दिया था गैप वैसे हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको 500, और यार इसको हम करते हैं रन। साथ साथ में यार आप रन करके जरूर देखें, ताकि आपको पता लगे कि स्पेसिंग सही हो रही है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेसिंग का फर्क पड़ रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको चेंज कर लेंगे, वैसे हमें सही भी लग रहा है। तो अब हम यार यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं आइकन को भी चेंज कर लेते हैं यार साथ में, तो बेटर रहेगा। तो यार यहाँ पे हमारे पास ऑडियो आइकन की जगह यहाँ पे आ जाएगा अब हमारे पास इमेज आइकन, तो सॉरी वीडियो आइकन। तो यार यहाँ पे हम कर लेते हैं वीडियो, और एक बार मैं देख लेता हूँ आइकन चेंज हुआ है कि नहीं। तो यार फ्रेंड हाँ आइकन चेंज हो गया। अब यार यहाँ पे मुझे चाहिए डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको क्लोज, और यहाँ पे हम इसको करते हैं कॉपी, और करते हैं यार नीचे यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे हम कर लेते हैं डॉक्यूमेंट और यार यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ 700, तो इसको कर देते हैं 740, ठीक है। और यार यहाँ पे हम इसकी जो आइकन है वो भी चेंज कर देते हैं,
तो डॉक्यूमेंट आइकन कर लेते हैं और करते हैं रन। ये देखिए डॉक्यूमेंट आ गया। अब मुझे यहाँ पे यार अदर का एक फोल्डर चाहिए, तो मैं क्या कर लेता हूँ, अदर के लिए भी सिंपल बना लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे नीचे जाके पेस्ट कर देंगे और यार यहाँ पे लिख देंगे अदर फाइल्स और यहाँ पे हम कर देंगे टोटल अदर, टोटल अदर। और यार यहाँ पे हम इसको प्लेस कर देंगे 980 पे। और यहाँ पे हमने आइकन भी एक बार देख लेते हैं, आइकन भी हम चेंज कर देंगे तो यार आइकन हो जाएगा अदर आइकन, दैट्स इट। और इसको एक बार हम करते हैं रन। यार यहाँ पे हमारे जो है ये काफ़ी हद तक सही है। तो यार मैं क्या कहता हूँ, इसको थोड़ा सा आगे आइकन कर देता हूँ ताकि ये जो गैप दिख रहा है ना हमें थोड़ा अलग सा लग रहा है, तो वो थोड़ा सही हो जाए। तो यार यहाँ पे मैं जाता हूँ और इसको यार थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, 20 भी कर देता हूँ और यार हम इसको करते हैं रन। तो ये समर यार बिल्कुल सही लग रहा है और काफ़ी हद तक सही है, तो काफ़ी सही लग रहा है। अब यार मुझे इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, तो मैं क्या कहता हूँ सिंपल यार सभी के बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देता हूँ। आप जो है जिस तरीके का आपको कलर चाहिए आप उस तरीके का रख लेना। तो यहाँ पे हम जाते हैं इमेज का तो सही है, हमें यहाँ पे टोटल ऑडियो का चेंज करना है, तो ऑडियो के कलर को यहाँ पे यार मैं पेस्ट कर देता हूँ सिंपल। और यार यहाँ पे मुझे वीडियो के कलर को चेंज करना है, तो वीडियो के कलर को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मुझे यार डॉक्यूमेंट के कलर को चेंज करना है, तो सिंपल यार हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट के कलर को चेंज कर देते हैं। और यार यहाँ पे मैंने अदर के लिए क्या किया था, अदर के लिए यार सिंपल यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ग्रे, दैट्स इट। और यार हम इसको करते हैं रन। तो यार ये देखिए हमारे पास जो है यहाँ इमेज, हमारे आइकन जो हैं लग गए हैं और हमारे पास यहाँ पे नीचे ही आ रहे हैं, ठीक है। तो यार इसमें हमने देखा कि यार ये कैसे हमने ये सेक्शन बनाया और यहाँ पे कैसे हमने आइकन लगाया और इसके अंदर कैसे हम ये जो है हमारे पास डिटेल्स जो है वो नीचे शो होंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे यार, इसका जो लास्ट पार्ट है वो बनाएंगे, जो लास्ट सेक्शन है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो हमने जो ये बटन वाला है और ये स्टेटस वाला है, ये हम बनाएंगे कि कैसे हम लेके आएंगे स्टेटस और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है वो बनाएंगे, ठीक है। और अगर आपको किसी भी तरह के इसके रिलेटेड डाउट है या फिर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपके रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड एंड स्टे ट्यून्ड।